Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. Dear friends, today we are going to start another topic of Indian Contract Act that is essential of a valid contract. So, मुख्यतः आमे 10टी essential विषय रे पढ़ीबा जो 10टी essential elements गोटे contract रे जदी present रहूची then आमे से contract को गोटे valid contract कहिबा otherwise से contract टी गोटे void contract हेइजबो. So, this chapter or this topic even this video is very very relevant for you. बिकज चैप्टर टी को पढ़ी सारा पर कंट्राक्ट एक्ट पढ़ी सारापर तुम जो प्राक्टिकल प्रोब्लेम्स पाइब ताकू सल्व करने केस स्टडीज गुड़ी को दि जाइए पचार कह ये ता एगेन्स्ट्रे केस कर कि ना यहाँ गोटे वैलिड कंट्राक्ट कि ना तो सल्व करने यू मस्ट हाव द अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंट्राक्ट बुझे तुम भल भाव या बुझ. अच्छा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंट्राक्ट प्रकृत गोटे वाइड चैप्टर ताको जदि डिटेल रे हमें पढ़ा देन इट विल टेक मिनिमम 1 आवर. बट आज हम चेष्टा करबा जे ग्रेजुएशन लेवल पे जेतिक इंपोर्टेंट जेतिक रेलेवेंट आम से पोर्शन कवर अप करबा. डेफिनेटली तुम जिते बड़े हायर स्टडीज कर पोस्ट ग्रेजुएशन को जीव कि सीएससीएमए सीएस प्रोफेशनल कोर्स जॉइन कर तो सेते तुमको केस स्टडीज गुड़ी को सॉल्व करने पूरा बीट बाय बीट पॉइंट बाय पॉइंट एगुड़ी पढ़ाक पड़ो तो सेते तुम डिटेल जानव किंतु सेतेबेले डिटेल रे जानिबा पई तमरो बेसिक फंडामेंटल जिंस ठीक थिबा दरकार जोटा कि आज आम ए वीडियो रे कवर अप करिबा. फाइन सो आज मु बेसी डिटेल रे जिबिनी हुए तो किसी जिंस जोगुड़ी वर्तमान पई इंपोर्टेंट मो ताकु स्किप करके आगो को बढ़ीबी जेतिको इंपोर्टेंट डेफिनेटली ताकु आज कवर अप करिबी. ओके ओके फ्रेंड्स सो एसेंशियल गुड़ी पढ़ा पूर्व आम प्रथम जानिबा द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उपर बेसिकली आज पूरा डिटेल रे डिस्कस करिवनी जस्ट मु काहे कि कहली देख द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड और बाइफोगेट इनटू 3 पार्ट और 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. ओके सेकेंड फॉर्मेशन थर्ड हूँ परफॉर्मेंस. वैलिडिटी बेसिस रे देखिले बहुत गुड़िया कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छी एटी 2-3 प्रकार कॉन्ट्रैक्ट आसीबो बाकी तो किछ गुड़िया एग्रीमेंट्स आसी जीवो. सो दुटा मेजर कंट्राक्ट जो आसूची दैट इज वैलिड कंट्राक्ट एंड वॉइड कंट्राक्ट. फाइन सो ये वैलिड कंट्राक्ट हाबापाई आम पाखे 10टी एसेंशियल एलिमेंट्स अच्छी ये 10टी एलिमेंट्स जदि इफ दिज 10 एसेंशियल्स आर प्रेजेंट इन ए कंट्राक्ट देन दिस कंट्राक्ट इज अ वैलिड कंट्राक्ट और देन वी कैन कॉल ए कंट्राक्ट ए वैलिड कंट्राक्ट. फाइन इफ एनी वन ऑफ दिस जदि या भितर गोटे भी इज नॉट प्रेजेंट इन ए कंट्राक्ट देन दिस कंट्राक्ट बिकम्स ए वॉइड कंट्राक्ट. जदि एम भितर गोटे भी 10टू गोटे भी जदि आबसेंट अच्छी गोटे कंट्राक्ट्रे तेल से कंट्राक्ट पीले वॉइड कंट्राक्ट हो बुझीगला तो से इम्पोर्टेंट जो 10 रु 10 एलिमेंट्स को आमको भल भाव बुझा पढ़ाक पड़ो. सो एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंट्राक्ट मु रीड करुच्छू टे शुण एन एग्रीमेंट to be enforceable by law must possess the essential element of a valid contract as contained in the section 10 of the Indian Contract Act 1872. se kouchi gote agreement ku law dwara enforceable heba ku hele must possess sethire possess heba dorkar sethire present thiba dorkar essential element of a valid contract jouta ki section 10 Indian Contract Act 1872 ra section 10 re clearly kahi deichi. तो देखिबा सेक्शन 10 रे ताले कौन कही अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एन एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसीडरेशन एंड विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो ये 4 एसेंशियल विषय कहीदेला ओवरऑली आमको 4 आहरी 6 एसेंशियल विषय पढ़ाक पड़ो को जगार 9 एसेंशियल मिसेकना को जगार 10 एसेंशियल. सो पॉइंट्स गुड़िक कितना सामान आसो. सो यही 10 एसेंशियल जदि गोटे एग्रीमेंट रे प्रेजेंट अच्छी देन ताक आम गोटे वैलिड एग्रीमेंट कहवा जोटा कि आगे जाकि वैलिड कंट्राक्ट हो पार. फाइन यही 10 भितर 4 तो एटी कहीदेला जे फ्री कंसेंट लॉफुल कंसीडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड यह व्यतीत भी आहरी कि अच्छी जोटा प्रेजेंट रहा दरकार लोक मैंने एक्सपीरियंस रु एसब जिनसगुड़ी बिल्डअप करके. ओके सो कौन रही से एसेंशियल गुड़िक प्रथम 1 by 1 करके पढ़ी दूची ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लॉफुल कंसीडरेशन कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज
free consent, lawful object, certainty of meaning, possibility of performance, not declared to be void, and the last one is legal formalities. Fine. So one after another, we will discuss all the essentials. Okay. So let's start with offer and acceptance. Okay. So agreement ti padhila bele ame janiche there must be two parties to make an agreement. Okay. One party must give offer to another party and another party should accept it. Eta ame janithile. But here the party who gives offer is known as offerer and the party who accepts is known as acceptor. The offer which is given by the offerer must be a lawful offer. And the acceptor who accept the offer must be a lawful acceptance. So ethare clearly kahidala agreement re jo offer diya jibo gote party ku ebong aro party jo taku accept koribo pile ei offer and acceptance both lawful hoba darkar ain gato hoba darkar. Both offer and acceptance must not be illegal or unlawful. Eguriko jodi illegal kimba unlawful hochanti tahale ame taku void boli kahiba valid kahiba nahi. To mone kara suppose mu tumaku gote offer deli je mu 5 lakh taka tumaku debi, I'll give you 5 lakh rupees but you have to kill your friend. Tumaku tuma sangoku maribaku poribo. तो तुम्हें जो ऑफर नौचो ऑफरटा जो नौचो सेटा गोटे इलीगल ऑफर जो ऑफरटा मु दोउ छी तुमको जण को मारि दियो ताले पैसा देबी जण को मारि दियो ताले पैसा देबी ऑफरटी गोटे इलीगल बा अनलॉफुल ऑफर सो एई भले ऑफर जदी गोटे पार्टी दिए तो से ऑफर को हमें गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रे कंसीडर करी परबा नाही फाइन सो दीटा जाकी ऑफर एक्सेप्टेंस दीटा जाकी लीगल हवा दरकार लॉफुल हवा दरकार बुझी परथो तम माने इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लॉफुल ऑफर बाय द वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय द सेम ऑफ द सेम बाय द अदर पार्टी हियर लॉफुल मींस लॉफुल अथॉरिटी कह देला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग valid offer and acceptance and its communication. So offer and acceptance gote chapter roichi jota tumhe next padhibo setare ahuri clearly lekha jaichi ko offer ku gote valid offer kuha jibo ko acceptance ku gote valid acceptance boli kuha jibo taharo rule and regulation pura se chapter bitre deichi to se chapter ku padile no doubt ame detail re janiba ebe pai tumhe lawful ro meaning to sabu pila bujhi paruchanti लीगल माने तो सब पिला बुझी परुचंती इलीगल माने तो सब पिला बुझी परुचंती फाइन सो जो ऑफर टी दिया जिवो सेटा लॉफुल हेतिबा दरकार इलीगल बा अनलॉफुल हे नथिबा दरकार से जो एक्सेप्टेंस करिवे से एक्सेप्टेंस टू बी लॉफुल बा लीगल लॉफुल लीगल एक्सेप्टेंस हेतिबा दरकार नेक्स्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एहा मध्ये हमें देखितले जे गोटे एग्रीमेंट रे जो पार्टी ऑफर दउची जे एक्सेप्ट करूची there must be a legal relationship between these two parties. If the intention is to create any kind of domestic or social relationship, jodi se agreement re emananko bhitare gote social ba domestic relationship create hochi ta sete bele ame se agreement ku gote void agreement boli kahiba. Fine. To agreement jo relationship create hobo na offer acceptance dwara agreement re से रिलेशनशिप टी पिले लीगल रिलेशनशिप हेतिबा दरकार बा से रिलेशनशिप रे जो संपर्क सृष्टि होबो से संपर्क से रिलेशन आइन द्वारा सृष्टि होथबो बुझियौ छी तो एठारे जब सपोज जदी हम एक एग्जांपल नबा तमे मते ऑफर देलो जे सर 1st ऑफ डिसेंबर इज माय बर्थडे सो यू हैव टू कम एनी हाउ प्लीज मु कहली मो स्टूडेंट ऑफर दउ छी मु ताको एक्सेप्ट करली मु कहली यस I accept your proposal and definitely I will join your birthday on 1st of December. But due to some reason, let's say, mu tumo birthday re join kari parili nahi. Now tell me, do you have any right to make a file, to make a case against me in the court? Tome monare case kari paribo ki no, kahi ki kari paribo ni. Because तमरो मो भितरे जो रिलेशनशिप अछि दैट इज द स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप जोडो हमें सोशल रिलेशनशिप बोली कहिबा फाइन
ତମେ ଭାଇକୁ କହିଥିଲ ଯେ ଭାଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଛୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ପନିର କିଲେ ନେଇ ଆସିପାରିବୁ କି? ତ ଭାଇ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇଯିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି ନା, ଦେଖ ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଭାଇ ଭୁଲିଗଲା ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ ତମେ ଭାଇ ନାଁରେ ଏଇ କେସ୍କୁ ନେଇକିନା, ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକିନା ତମେ କେସ୍ କରିପାରିବ କି? ନୋ, କାହିଁକି? ବିକଜ୍ ଭାଇ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ସେଇଟା ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ତ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଏ କେସ୍ରେ ତମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି, ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟି ପିଲେ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବି ବା କରିଲି ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଲି, ବୁଝିହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲି, ତୁମଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଲି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫ୍ରଡ଼୍ କରିଛ ମୋ ସହିତ, ମୋତେ ସପୋଜ୍ କର କି କିଛି ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ଦେଇଦେଇଛ, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ କରିପାରିବି କୋର୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁମର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି? ଦେଖ, ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ସେଲ୍ କଲାବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର କାଗଜପତ୍ର କାମ ହେଇଥିବ, ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଥିବ, ତ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ ହେଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ ହେଲା। ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରାହେଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତିଆରି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କି ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ। ସୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ସେଠାରେ କହିଦେଲା, ଦ ପାର୍ଟିଜ୍ ବୋଥ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟର୍, ଅଫରର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟର୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ମୂଳ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ? ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର। ବିଟୁଇନ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ କେସ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ନେଚର୍, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ନେଚର୍ର, ଡୁ ନଟ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍, ତାକୁ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ରେ କନ୍ସିଡ଼ର୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଫାଇନ୍, ତ ଡୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମନେ ରଖ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ, ସୋସିଆଲ୍ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଏଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଗଲେ ଭଏଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ୍, ଲଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍। ଲଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ କହିଛି ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଅର୍ କ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରୋ କ୍ୱୋ। ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତୁମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ତୁମକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ, ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ରିଟର୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି ଆଣୁଛ, ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ। ତ ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେଉଁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ଟି ରହିବ, ଆଇଦର୍ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଉଛ, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍, ତୁମେ ତା'ଠୁ ଯେଉଁଟା ଆଣୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ସେଇଟା କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍। ସୋ ବୋଥ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବି କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଲଫୁଲ୍। ଇଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷ କୌଣସି କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ 500,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଫୁଲ୍। 500,000 ନେବାଟା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ମାଗୁଛି, 500,000 ବଦଳରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଅ, ଏ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ଟି ପିଲେ ଅନ୍ଲଫୁଲ୍, ଇଲିଗାଲ୍। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ବି ଯଦି ଇଲିଗାଲ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ରହୁଛି, ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମିସ୍ ଦିହରେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ମିଶିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ଟି ପିଲେ ଲଫୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଫାଇନ୍, କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର୍ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଅଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ପରେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ର ବି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର୍ଟି ଅଛି, ସେଠି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, କ୍ଲିଅର୍ଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ନୋ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍, ନୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ ତା'ର କିଛି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ବି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ, ଯେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ନଥିବ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଥିବ,
स्टिल से गुड़िक वैलिड थी ताको आम एक्सेप्शन्स बोली कहचे फाइन तटी मुझे पढ़ी शुणई दे कन्सीडरेसन बुझीगला तो कन्सीडरेसन भी लफुल होता दरकार ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी लफुल होता दरकार कन्सीडरेसन भी लफुल होता दरकार सो कन्सीडरेसन सिंपली मीन्स समथिंग इन रिटर्न और क्विड प्रो क्यो प्रमिसेस मेड फर नथिंग आर अनएनफोर्सेबल अंडर द इंडियन कंट्राक्ट एक्ट द लॉ एनफोर्सेस ओनली दोज प्रमिसेस व्हिच आर मेड फर कन्सीडरेसन लॉ से ही प्रमिसेस को एनफोर्स कर जो गुड़िक कन्सीडरेसन थी जो गुड़िक कन्सीडरेसन प्रमिस कर जो प्रमिस कन्सीडरेसन ना लाख केनफोर्स करन एग्रीमेंट विदाउट कन्सीडरेसन सब्जेक्ट टू सर्टन केसेस आर भएड जो एग्रीमेंट रे कन्सीडरेसन ना किटा केस को छाड़ीदे भएड बोली कहके कन्सीडरेसन मे बी इन द फर्म अफ मनी गुड सर्विसेस प्रमिस टू मैरी एक्सेट्रा तो कन्सीडरेसन माने कौन कन्सीडरेसन माने टंका हो पारे तुम क्या रिटर्न में टंका भी आनी पार गुड्स भी आनी पार कि सर्विसेस भी नहीं पार कि भी हो पारे कन्सीडरेसन कन्सीडरेसन मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल ओके सो कन्सीडरेसन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो पारे या कन्सीडरेसन चैप्टर पढ़ला बेल देखा कमी गोटे कन्सीडरेसन को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहुच रियल लॉफुल रियल माने भी मुझे तुमको कहि ओके तो ये खाली सिंपल एति की मन रख जे कन्सीडरेसन टी लॉफुल होता दरकार जदि कौन सी प्रकार कन्सीडरेसन टी लॉफुल हो पारना गोटे लॉफुल हो पारना ताहले आमे से एग्रीमेंट को ही गोटे वॉइड एग्रीमेंट कहीदे बा से कॉन्ट्रैक्ट को आम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोली कहिबा फाइन नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज तो कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर हवापाई जो दुईट पर्सन रोचंती सो दुईट पर्सन मानकर किछि गोटे कैपेसिटी थिबा दरकार ओके सो से कैपेसिटी कौन क्लीयरली एड़ी देख लिखिदेला सेक्शन इलेवेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन इलेवेन एवरी प्रमिज सॉरी एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कंट्राक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ अ मेजोरिटी मेजोरिटी होता दरकार माने 18 वर्ष रु ऊर्ध होता दरकार अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड माने तार मस्तिष्क ठीक थिबा दरकार से पागल हो नथिबा दरकार मानसिक विकृत धरणर लोक हो नथिबा दरकार ओके अनसाउंड माइंड माने पागल जहाँ को लुनाटिक बोली भी कही था साउंड माइंड माने जे कि परफेक्ट अच्छी पागल नुह तो से पागल न होता दरकार साउंड माइंड पर्सन होता दरकार एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द एनी लॉ तेणु तृतीय कहला कौन सी प्रकार लॉ रु से डिस्क्वालिफाय हो ना दरकार बा लॉ ताकु डिस्क्वालिफाय करू नथुब लॉ ताकु अपोज करू नथुब कॉन्ट्रैक्ट करबा पाई जदि लॉ ताकु डिस्क्वालिफाय करूची जे ए लोक कॉन्ट्रैक्ट रे एंटर करि परिबो नाही तथापि जदि ताकु ता सहित कॉन्ट्रैक्ट करा गला तले सेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हबो फाइन तेणु करिकी तीनोटी लोक कथा मन रहला 18 प्लस हेथिबा दरकार प्रथमे साउंड माइंड हेथिबा दरकार एवं से लोक लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाय हो नथुब एडी सही जिनस कहला इफ आइदर अफ द पार्टीज दी जन भितर जेकोसी भी पार्टीज डजंट हाव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जदि तांको पाखरे कॉन्ट्रैक्ट करिबा पई कैपेसिटी नाही बाय तीनटा भितर जेकोसी भी से हो नाहंती द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड सेते बेले से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कुआ जीवनी ताकु वॉइड कुआ जीव ओके नेक्स्ट देखिबा फ्री कंसेंट कंसेंट रो अर्थ होची सहमति ओके कंसेंट रो अर्थ होची सहमति माने मो इच्छा रे मु एग्री अच्छी से कॉन्ट्रैक्ट करिया पई ताले ताकु कहबी मोर कंसेंट फाइन सो कंसेंट मीन्स द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस तो ये कौच जितेबाला एग्रीमेंट करा जाऊची ये जो ऑफर देला याकु ये से ऑफर पई निज इच्छा रे जदि एग्री हेची कोनोसी प्रकार प्रेशर नाही ताहले ताकु आमे फ्री कंसेंट बोली कहिबा ओके अकॉर्डिंग टू द सेक्शन टू और मोर पर्सन अच्छा पिले ये सेक्शन टी बावला छाड़ी ये लिखिबो सेक्शन 13 सेक्शन 13 कहुची टू और मोर पर्सन आर सेट टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस व्हिच इज कॉल्ड कंसेंसस एंड इडियम तो जितेबाला दुईटा लोक सीए जहाँ भावुची ये भी से भावुची ये जहाँ पाई प्रपोजाल दौची सी ताकू एक्सेप्ट करने को चाहूँगी दीजकर सेम थिंक रोची सेम जिनिष
ताले सेते बोले आमे ताकु फ्री कंसेंट बोली कहबा आमे धरी नबा जे जो लोकटी ऑफर दउची तार ऑफर देबार इच्छा अछि जो लोकटी एक्सेप्ट करूची तार एक्सेप्ट करिवार इच्छा अछि बोथ पार्टी तरफ रु फ्री कंसेंट अछि। जदी गोटे लोक ऑफर देला बट आरो लोकटी ताकु एक्सेप्ट करिवाकु चाहूनी बट तुम्हें ता मुंडरे बंदूक लगे कि ताको एक्सेप्ट करौच ता माने तार तो फी कंसेंट ना सी एग्रीमेंट करिवाकु चाहूनी तुम्हें ताको डर रे बा भय देखे कि ताको एक्सेप्ट करौच तो से सिचुएशन रे ताको वॉयड एग्रीमेंट बोली कुआ जीवो जोटा को मैं वॉयड कॉन्ट्रैक्ट भी कही पारिबा। फाइन तो सही जिनस देला जे फ्री कंसेंट हबा पाई पांचोटी जिनस प्रेजेंट नथिबा दरकार जदि पांचोटी भितर गोटे भी से एग्रीमेंट रे रही जाउची ताले आमे ताकु फ्री कंसेंट कहिबानी। ओके सो पांचोटी कौन कौन सो फर्स्ट कहला कोरेजन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोरेजन माने भय देखे कि जदि जेंती कहली बंदूक लगे कि जदि गोटे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करा जाउची किंबा अंडू इन्फ्लुएंस अंडू इन्फ्लुएंस माने धर मु मोर पावर मो रिलेशन रो फायदा उठे कि तुमको इन्फ्लुएंस करुची तुमको कहली देख ये जिनसटा करो एटा भलो रहिबो। ओके तुम्हें कहल हाँ सार कहते माने भलो रहिबो तो मु तुमको इन्फ्लुएंस करैली गोटे रिलेशन को फायदा उठे कि तुमको इन्फ्लुएंस करैली तुमर से इच्छा नथिला जस्ट सार कहते बोली तुम्हें सेटा करदेल ताको कहे अंडू इन्फ्लुएंस। बाकी फ्रॉड माने जानिच जन को ठकिबा बा मिस रिप्रेजेंटेशन गोटे गोटे कहीकिना आउ गोटे तुमको रिप्रेजेंट करैदेली बुझी तो या भी आम फ्री कंसेंट को जो पढ़ा तो सेटाक डिटेल पढ़ा एवं मुझे डिटेल कहूनी जस्ट गोटे गोटे को सर्टली कहीदेली जदि कोरेजन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक ए सबू जिनस गुड़िक जदि गोटे एग्रीमेंट रे कॉन्ट्रैक्ट रे अच्छी ताहले आम वैलिड बोली कही पारिबानी ताकू वॉयड बोली कहिबा। ओके नेक्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट माने व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स फॉर व्हाट पर्पस यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो पर्पस पाई तुम्हें डिजाइन करुच एग्रीमेंट करुच से पर्पस को आम ऑब्जेक्ट बोली कहिबा। उद्देश्यटा कौन तो से कहे से जो उद्देश्यटा तुम लॉफुल होता दरकार। ओके गोटे एग्जांपल भी देला सपोज कर व्हेन वन हायर्स ए हाउस फॉर यूज ऑफ अ गैम्बलिंग हाउस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रन ए गैम्बलिंग बिजनेस। एटा गैम्बलिंग हाउस नुह गैम्बलिंग बिजनेस। जदि जणे घर हायर कला बा भड़ारे नेला कौन पाई गैम्बलिंग हाउस हिसाब रे गैम्बलिंग हाउस करिबा पाई गैम्बलिंग हाउस माने जान जाना जुआ जो घर खेला जाए जदि सही पर्पस रे गोटे घर नौची ताहले से कॉन्ट्रैक्ट रो ऑब्जेक्ट कौन से गैम्बलिंग बिजनेस करिबा पर्पस रे नौची मु तुमको कहली पुओ तुम्हें मते गोटे घर दियो मु सेठी गोटे गैम्बलिंग हाउस करिया को चाहूची बा गैम्बलिंग हाउस हिसाब रे मु से घर को यूज करिया को चाहूची ता माने कौन गैम्बलिंग हाउस रो त कौन मु से घरे कौन पूजा पाठ करिवि कि तुमटू जदि गैम्बलिंग पर्पस रे नेली तो मोर इंटेंशन होउची सेठी मु कौन करिवि गैम्बलिंग बिजनेस करिवि तुम्हें भी सेटा जानिच तो से केस रे से जो ऑब्जेक्टटा एठारे गोटे इलीगल ऑब्जेक्ट जुआ खेलिबाटा गोटे कौन लीगल कि लीगल तो नुह हाँ जो माने परमिशन आनी गवर्नमेंट टू जो कैसिनो हेरिका अच्छी तांको पे सेटा लीगल इलीगल नुह बट जो माने इलीगल वे रे करुचंती सेटा तो केबे भी लीगल हे परिबोनी बा लॉफुल हे परिबोनी। तो जदि गोटे कॉन्ट्रैक्ट रो ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नुह बा इलीगल ताले सेते बळे आमे ताकु वॉयड बोली कहिबा वैलिड कहि परिबा नाही। एहा व्यतीत आउरी भी देइची द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल कुहा जीवो केते बळे ना जदि इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ जदि मना करुचि ए काम करोनी बोली ता बाद भी जदि तुम से काम करुचो किंबा इट वुड डिफिट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ सेम टाइप रे कहला जे जदि कोनोसी लॉ रो प्रोविजन को से ता बियॉन्ड रे जेकी किछु गुटे काम करुचो इट इज फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट माने फ्रॉड टाइप रे जदि किछु काम करुचो इट इनवॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर जदि से कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कौनसी भी व्यक्ति किंबा कौनसी व्यक्तिर कौनसी प्रॉपर्टी को हानि आसुची ओके व्यक्ति विशेषर क्षति घटुची किंबा कौनसी प्रॉपर्टी क्षति घटुची अदर पार्टी रो तुम दुजन व्यतीत आउ का पार्टी जदि एमती क्षति घटुची ताले सेगुड़िक भी अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव बा ऑब्जेक्ट और द कोर्ट रिगार्ड इट आज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। आ जदि कोर्ट क्लीयरली कहुची जे पब्लिक पॉलिसी रो अगेंस्ट ए सब काम जाउची एको करिबा उचित नुह स्टिल जदि तुम्हें एडा करुचो तले ताकु अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बोली कुहा जीवो। फाइन तटी मने रख
लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी दरकार, लॉफुल कंसीडरेशन थी दरकार, जो पर्पस तुम्हें एग्रीमेंट बा कॉन्ट्रैक्ट टी करुछ से पर्पस से ऑब्जेक्ट मध्य लॉफुल थी दरकार। फाइन, नेक्स्ट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग रो माने जो एग्रीमेंट तुम्हें तैयारी करुछ दैट मस्ट बी सर्टन नॉट वाजिव। ओके ओके, सो जदि से वेग हो जाऊँगी ताहले आमे ताकु वॉइड बोली कहिबा। सर्टन हेइथिबा दरकार, सर्टन माने मु कहली जे मु तुम कार को किणिबा को चाहूची, तो तमे कहलो कार पई सर केते टंका देबे, मु कहली हां 5 लाख 5 रु 6 लाख टंका दे दिबियो, 5 लाख रु 6 लाख दे दिबियो। तो एठारे मु कोन कंसीडरेशन रखुची 5 रु 6 लाख, ता माने कन्फ्यूजन एटी क्रिएट होची ना 5 लाख ना 6 लाख। जदि मु 5 किंबा 6 या भितर गोटे को कहिथांती ताले एटा सर्टन, बुझि होची 5 लाख रु 6 लाख माने 5 भी हो पारे 6 भी हो पारे, किए का कौटा बुझे तुम्हें, तो यहाँ अनसर्टन रोचे। तो एमती है आम कंट्राक्ट कनसीडर करना गोटे वैलिड कंट्राक्ट कनसीडर करना। ओके, तो एग्रीमेंट रे जो मीनिंग रहा सर्टन थी दरकार। ओके, क्लीयर थी दरकार, सर्टन थी दरकार, नॉट वेग वेग है ना दरकार, यू सिंपल एमती ही बुझ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 29 रे भी एटा कंप्लीटली कुआ जाइछि दैट एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ व्हिच इज नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड। ओके, तो एगुड़ी को आमे वॉइड बोली डिक्लेयर कर दबा। ठीक न रहूछि ताले से एग्रीमेंट को लॉ केबे भी एनफोर्सेबल करिवो नाही। तो सिंपल एही छोटो छोटो एग्जांपल सहित एटा को बुझी चलो, तापर आमे आगु को देखिबा। मूव टू द नेक्स्ट एसेंशियल दैट इज possibility of performance. Possibility of a performance that there is a possibility of the activities. जो activities द्वारा मुँह तुमको कहली जे तुम्हें लेट से तुम्हें मत 5 लाख टंका दियो वर्तमान मु तुमर मृत फ्रेंड को जीवित करदेवी, बुझेगा मत 5 लाख टंका दियो मु तुमर मृत डेड फ्रेंड को ता देर गोटे जीवन देदेवी। तो ये पॉसिबल कि गोटे मृत लोक को जीवित करेबा, इट इज नॉट पॉसिबल। मु कहली मते 5 लाख टंका दियो मु तुमको मैजिक रे गोल्ड डिस्कवर करके देखेबी। ओके, हाथ को एमती बुले देबी मो हाथ में सुना आसी जीवो, इज इट पॉसिबल? केबे भी पॉसिबल नुह। मु तुमको कहली मते पैसा दियो मु आकाश रु तारा और जह्न तोली कि नहीं आसीबी, एटा पॉसिबल कि पॉसिबल नुह? तो जो परफॉर्मेंस जो एक्टिविटी पॉसिबल नुह से रिलेटेड एक्टिविटी बा परफॉर्मेंस ऊपर जदि कोनोसी एग्रीमेंट करा जाइछि ताले ताकु लॉ केबे भी एनफोर्सेबल करिबो नाही, एंड इट विल बी अनएनफोर्सेबल बाय द लॉ। फाइन, सो इफ एनी एक्ट और द एक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, जदि सेटा इम्पॉसिबल फिजिकली और लीगली कोनोसी भी वेरे हो, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट लॉ। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एग्रीज विथ बी टू डिस्कवर गोल्ड बाय मैजिक, सच एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल, बुझी हुची? तेणु परफॉर्मेंस टी पॉसिबल होता दरकार, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस रे गोटे वैलिड एग्रीमेंट करा जाई पारिबो नाही। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल। सी द एग्रीमेंट दो सैटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ इन द फोर्स इन द कंट्री। सो से कहूँ जे गोटे एग्रीमेंट जेहेतु गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रो सबुतिक एसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल करुची सैटिस्फाई करुची ताहले ताकु केबे भी डिक्लेयर वॉइड बोली डिक्लेयर करा जाई पारिबो नाही। किंतु इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो सेक्शन 24 रु 30 सेक्शन 24 रु 30 भीतर बहुत गुड़ी एक्टिविटीज एमती दिया जाई छी जो गुड़ी को तुम्हें जदि करिबो ताहले ताकु इलीगल बा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जीवो। फाइन, तो आम तो डिटेल जाऊने तेणु 24 रु 30 भितर कौन कौन सब रही जहाँ वॉइड बा इलीगल बोली डिक्लेयर आम डिटेल देखा नहीं, बस जस्ट गोटे छोट एग्जांपल दूची। जदि सपोज कर से लिखा जाए एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कौन सी प्रकार ट्रेड करने रिस्ट्रेन करा मना करा बाय द लॉ, एंड स्टिल जदि तुम्हें से काम करने कॉन्ट्रैक्ट करुछ ताले डेफिनेटली लॉ ताकु वॉइड बा इलीगल डिक्लेयर कर। ओके, जदि लॉ कहूँ जे यही प्रकार बिजनेस करी पारिबो नाही, ओके ड्रग्स ब्राउन सुगर बिजनेस करी पारिबो नाही, स्टिल तुम्हें जदि ब्राउन सुगर बिजनेस रे एंटर करुछ आउ जने पार्टी सहित तुम भीतर जदि कोनोसी डिस्प्यूट होउची झगड़ा झंटी होउची
ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିପାରିବନି, ବିକଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତୁମ ଭିତରେ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଭଏଡ଼୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଇଲିଗାଲ୍, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେକ୍ସନ୍ 24-30 ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି କେସେସ୍ ଦେଇଛି ଯାହା ବେୟଣ୍ଡ ଯାଇକି ତୁମେ କେବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି କଲ ସେଇଟା ଭଏଡ଼୍ କିମ୍ବା ଇଲିଗାଲ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇନି ଯେ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟି ରିଟିନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ରାଇଟିଂରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ଲେଖିଥିବା ଦରକାର, ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସାଇନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ଲର ବା କୋର୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ଦରକାର, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍। ଓକେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍, ମର୍ଗେଜ୍, ଲିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏହିସବୁ କେସ୍ରେ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ବଟ୍ ସେମିତି ଯଦି ମୋତେ ସେକ୍ସନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ସାର୍ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ, ତାହା କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି ସେ ସେକ୍ସନ୍, ବିକଜ୍ ସେମିତି କୌଣସି ସେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ 10 ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା 10 ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବିକମ୍ସ ଅ ଭଏଡ଼୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଫାଇନ୍, ସୋ 10 ଏସେନ୍ସିଆଲକୁ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମକୁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଅଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଅଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବୋଥ ମଷ୍ଟ ବି ଲଫୁଲ। ସେକେଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବୋଥ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍ ହୁ କ୍ରିଏଟିଂ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ନଟ୍ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିକମ୍ସ ଏ ଭଏଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଅ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଫାଇନ୍, ନେକ୍ସଟ ଲଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍, ୱି ନୋ ଦ କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍ ମିନ୍ସ ଦ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଅର୍ କ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରୋ କ୍ୟୁଓ, ସୋ ଦ କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍ ଆଇଦର୍ ପାର୍ଟିଜ୍, ବୋଥ୍ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍, ଫ୍ରମ୍ ଦ ବୋଥ୍ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଲଫୁଲ୍। ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏନି ଇଲିଗାଲ୍ ଅର୍ ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ପାର୍ଟି, ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ଭଏଡ଼୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଅର୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ଭଏଡ଼୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍, କାପାସିଟି ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ମିନ୍ସ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ସ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ କାପାସିଟି ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେକ୍ସନ୍ 11 ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ 3 ପିପୁଲ୍, ରିମେମ୍ବର ଏକ୍ସେପ୍ଟ 3 ପିପୁଲ୍, 1 ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଏ ମାଇନର୍, ଓକେ, ସିଏ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବନି, ଦ ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନ୍ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଦି ଲ। ତାକୁ ଏଠାରେ କହିଛି ଯେ ମେଜର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ସିଏ ପଶିପାରିବ ଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ, ଯିଏ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ସିଏ ବି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଲ ଦ୍ୱାରା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇନି ସିଏ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରି କନ୍ସେଣ୍ଟ, ଫ୍ରି କନ୍ସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯଦି 5 ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଫ୍ ଦିସ୍ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ଭଏଡ଼୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇ 5 ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବନି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ବୋଥ୍ ଦ ପାର୍ଟି ହାଭ୍ ଫ୍ରି କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରି କନ୍ସେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍, କୋର୍ସନ୍, ଅନ୍ଡ୍ୟୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଫ୍ରଡ୍, ମିସ୍ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେକ୍। ନେକ୍ସଟ ଲଫୁଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଲଫୁଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଲଫୁଲ୍। ଦେନ୍ ସର୍ଟନିଟି ଅଫ୍ ମିନିଂ, ଦ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ସର୍ଟନ୍ ନଟ୍ ଭେଗ୍, ବିକଜ୍ ଅନ୍ସର୍ଟନ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି 5 କିମ୍ବା 6 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ କାର୍ ଦେବ, ସୋ 5 କି 6 ଏଠି କନ୍ଫର୍ମ ହେଉନି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ଟନ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ପର୍ଫମାନ୍ସ, ପର୍ଫମାନ୍ସର ପସିବିଲିଟି ହେଉଥିବ, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ପର୍ଫମାନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କେବେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ହେଲା ଭଏଡ୍, ନଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଟୁ ବି ଭଏଡ଼୍ ଅର୍ ଇଲିଗାଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେକ୍ସନ୍ 24-30 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ 24-30 ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସେସ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ତୁମେ କରୁଛ ବା ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କିଛି କରୁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଏଡ଼୍ ବା ଇଲିଗାଲ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କହିଲା ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍। ଫାଇନ୍, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋ ନ ଚାହିଁକିନା ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲା, 35 ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ତଥାପି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିପ୍ କରିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ଦେଇ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଯେତେ ଡିଟେଲ୍ ଯିବ, ଯେତେ ଲେନ୍ଦି ହେବ ପିଲେ କନ୍ସେପ୍ଟ ସେତେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ଓକେ, ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ତୁମେ ଏବେ ଯେତିକି ବି ବୁଝି ଯାଇଛ, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ସିଡ୍ରେସନ୍, ଅଫର୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ବ୍ରେନ୍ ଆରାମସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଫାଇନ୍,
सो क्लास टी को एडी रखा देखा पुणी नेक्स्ट क्लास टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।